हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, मैंने जो पिछली वाली वीडियोस बनाई थी में दोस्तों बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, तो आज दोस्तों मैं सभी कमेंट का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए जरूरी है, इसलिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही मैं बना रहा हूँ। वैसे मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं किया क्योंकि कमेंट का रिप्लाई देना है पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट टैब को अपडेट करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स दोस्तों आ रहे थे, आज मैं सभी उन कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। एंड लास्ट को दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, जो सबसे पहला कमेंट है वो है कि भाई साइड की वीडियो बना दो प्लीज भाई। तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके गवर्नमेंट टैब है जो उसके अंदर सेटिंग नहीं ओपन हो रही होगी। तो भाई, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना रखी है, ये वीडियो आप यहीं पर देख रहे होगे। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीट बताया था कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट टैब में बिना डिवाइस मेंटेनेंस के, बिना साइड की के, बिना मोड्स के कैसे अपने गवर्नमेंट टैब में सेटिंग को यहाँ पर साइड की पर लगा सकती हैं। एंड उसके बाद चलते हैं हम सेकंड कमेंट पर। तो सेकंड कमेंट है दोस्तों कि मेरा अभी भी सेफ मोड ही लिखा रहा है, तो उसके जो टैब है उसके अंदर सेफ मोड नहीं हट रहा है, मतलब कि उसका जो टैब नॉर्मल नहीं हो रहा है, वैसे सेफ मोड उसके अंदर लगा ही रह रहा है। तो उसको दोस्तों हटाने के लिए, अगर आपका एक बार रिस्टार्ट करने से यहाँ पर आपका सेफ मोड नहीं हटता है, तो आपको दो तीन बार रिस्टार्ट कर लेना, या फिर आप अपने गवर्नमेंट टैब को पावर ऑफ करके दोबारा से पावर ऑन कर लेना, तभी दोस्तों आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप अपने गवर्नमेंट टैब में सेफ मोड को उठा सकती हैं। एंड चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है, तो फ्रेंड जो थर्ड कमेंट है वो है कि हाई ब्रो, गवर्नमेंट टैब के नंबर पर ओटीपी कैसे आएगा प्लीज बता दो। तो फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट टैब का नंबर है इस पर आपका कभी भी ओटीपी नहीं आएगा। लेकिन पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट टैब की जो सिम है इसका कोई भी आपका नंबर शो नहीं करता आपके मोबाइल के अंदर। लेकिन अगर आपने फिर भी कहीं रजिस्टर वगैरह से अपने स्कूल में आपका नंबर पता लगा लिया है दोस्तों, वो वर्क नहीं करेगा आपका गवर्नमेंट टैब में। ना ही उस पर फोन आप कॉल कर सकते हैं, ना ही आपका उसके ऊपर ओटीपी आएगा। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ कमेंट है वो ये है कि भाई नोटिफिकेशन आगे जाएगा क्या स्कूल वालों के पास। तो इस भाई का ये भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम ये ऐसे नॉर्मल कर लेते हैं अपने गवर्नमेंट टैब को, तो क्या फिर हमारे स्कूल वालों के पास कोई नोटिफिकेशन जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन कहीं पर भी नहीं जाता अगर आप अपने गवर्नमेंट टैब को नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वो अवसर पोर्टल की मदद से आपके जो यहाँ पर डिटेल्स हैं वो उठाते हैं, तो तब दोस्तों आपको उनको पता चल सकता है कि इस वाले टैब में यहाँ पर MDM है या फिर नहीं है। इसका पता दोस्तों वहाँ पर आपको क्लियर मिल जाता है, और इसका पता भी मिल जाता है कि अगर आपका टैब अपडेट है या फिर नहीं अपडेट नहीं है, इसका पता दोस्तों वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो वहाँ पर उनको वेबसाइट में दिख जाता है कि किसका टैब 13 वर्जन है, किसका 12 वर्जन है। अगर आप अपडेट नहीं करते तो वहाँ पर आपकी लिस्ट जमा होती रहती है, और MDM का भी पता होता है। लेकिन सीधा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि इस बच्चे ने अभी MDM करा किया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको आपकी ही यहाँ पर डिटेल्स चेक करेंगे तब दोस्तों उनको पता चल सकता है। एंड चलते हैं दोस्तों फिफ्थ कमेंट पर। तो दोस्तों, फिफ्थ कमेंट ये है कि भाई मेरा टैब स्विच ऑफ हो गया है और ऑन नहीं हो रहा, कुछ सोल्यूशन बता दो जिससे कि मेरा टैब यहाँ पर ठीक हो जाए। उसके बाद है भाई, ये वीडियो फेक है, मेरा सैमसंग गैलेक्सी का यहाँ पर जो टैब है उसमें नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद इन भाई का भी वो ये दोस्तों कमेंट है, बहुत सारे लोगों ने किया है कि जो मैंने ट्रिक बताई थी ये करने, जो मैंने ट्रिक बताई थी ये करने के बाद उनका एक ही जगह पर अटक गया टैब, तो उनके टैब में सैमसंग गैलेक्सी लिखा आ रहा है। एंड दोस्तों, एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, आप साइड में फोटो देख सकते हैं, उन्होंने चार्ज पर भी लगा रखा था अपने टैब में, लेकिन दोस्तों उनका सैमसंग गैलेक्सी ही नहीं हट रहा है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ दोस्तों। तो अगर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने टैब के जो साइड के तीनों बटन हैं तीनों को दोस्तों आपको दबाकर रखना है, फिर आपका टैब यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर उससे भी आपको ये वाली प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मैंने यूट्यूब पर इसका सोल्यूशन देखा था तो मुझे एक बार वीडियो सही लगी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसने 4 या 5 तरीके से बताया था जिससे कि आप इस वाली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। एंड चले दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की, है कि भाई मैंने ये नॉर्मल तो कर लिया है स्ट्रिक से, लेकिन अब दोबारा से कटर कैसे लाएं। एंड इस पे दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें कम से कम 100 कमेंट दोस्तों यही हैं कि भाई अब हम हमारे गवर्नमेंट टैब में वापस कटर को कैसे लाएं। तो इसके लिए दोस्तों आप दो तरीके यहाँ पर कर सकते हैं, पहला है अपडेट इंस्टॉल या फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ से दोस्तों आप कर सकते हैं। एंड अगर आपका अपडेट हो गया है टैब उसके बाद भी आपने नॉर्मल किया है दोस्तों, आप अपने गवर्नमेंट टैब को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं, तभी दोस्तों आपके गवर्नमेंट टैब में कटर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अपने गवर्नमेंट टैब में सेटिंग को ओपन करना है और कैसे अपडेट का ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये है मैं गवर्नमेंट टैब, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अपने गवर्नमेंट टैब में अगर कटर लाना है तो आपको क्या करना होगा। तो आपको चले जाना है सेटिंग के अंदर,
तो आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वाला आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है सॉफ्टवेयर अपडेट, ये लिखकर दोस्तों आपको सर्च कर देना है। एंड आप जैसे ही सर्च करेंगे आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट नंबर पर ये सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई मिल जाएगा, इसको आपको बंद करके ही रखना है। लेकिन अगर आप इसको बंद नहीं करोगे तो जब भी आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा टैब, तो ऑटोमेटिक आपकी अपडेट डाउनलोड हो जाएगी। मेरी भी ऐसे डाउनलोड हो गई थी, अब आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि मतलब कि वो डाउनलोड हो गई है, लेकिन मैंने इंस्टॉल नहीं करके, आप देख सकते हैं इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो डाउनलोड तो हो गई है, 171 MB की अपडेट थी और ये डाउनलोड हो गई है, लेकिन मैंने इंस्टॉल नहीं किया। जब भी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तभी दोस्तों मेरे टैब के अंदर खट्टर आ जाएगा। और अगर आपका तब भी खट्टर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर। एंड यहाँ पर आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको रीसेट पर रीसेट आपको सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रीसेट पर क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले आइकन पर। एंड यहाँ पर आपको नीचे में क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपको अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर खट्टर लाना है। अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना है, ना ही आप अपने गवर्नमेंट टैब को अपडेट करना चाहते हैं, ना ही आप अपने गवर्नमेंट टैब को रीसेट करना चाहते हैं, तो एक और तरीका जिससे कि आप अपने गवर्नमेंट टैब में खट्टर को भी और साथ में सभी ऐप्स को चला सकते हैं। आपने कई सारे टैब में देखा होगा जिसमें कि अगर आप स्टूडेंट किसी ऊपर दबाते हैं तो आपका खट्टर आ जाता है और वहाँ पर आपके अवसर ऐप चलने लग जाता है वैसे, और यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आपके सभी ऐप चल जाते हैं और आपका खट्टर भी आ जाएगा, लेकिन ऊपर से नेविगेशन बार भी ओपन हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका स्टूडेंट किसी को भी रहता है और साथ में आपका नॉर्मल भी हो जाता है, उसके अंदर आप ऐप भी चला सकते हैं और खट्टर वाला भी आप स्क्रीन वो लेकर आ सकते हैं। तो ये भी दोस्तों हो जाएगा, लेकिन उसमें परमानेंट खट्टर नहीं होगा। वो जब भी आप इसको एकदम से स्क्रॉल करोगे तभी दोस्तों आपका सभी ऐप आ जाएंगे। तो अगर आपको वो चीज़ करनी है तो उसके लिए कमेंट करो नीचे यस, जितने ज़्यादा कमेंट होगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट टैब में खट्टर को और ऐप को एक साथ चला सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और उस वीडियो के लिए नीचे कमेंट में टाइप करो यस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, बेटा जय हिंद।